हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर न्यू बुक से। तो इसका ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो या चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट वन में जो है बच्चों, मैंने आपको ये सब कुछ समझा दिया है, ये सारा कुछ आपका पार्ट वन में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है स्टार्ट करना है, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है तो मैंने सोचा कि पार्ट वाइज आपको ये चीज़ें समझा दूँ। यहाँ से हमें शुरू करना है टाइप्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स मेनली टू टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप बॉल को किक कर रहे हो तो वो किसके कॉन्टैक्ट में, आपके पैर के कॉन्टैक्ट में आया, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पैर से बॉल को आपने किक किया तब बॉल क्या हुई, आगे गई। अब कोई बुक है अगर टेबल पे रखी है तो वो उठेगी नहीं जब तक आप उसको हाथ से उठाओगे नहीं। उसको पिक करने के लिए आपको अपने हाथ का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या हाथ हमारा जो है बुक के किस में आया, कॉन्टैक्ट में आया, टच में आया, तब आपने फोर्स लगाया और बुक को वहाँ से हटाया। ठीक है, तो इस तरीके का फोर्स जो कि कॉन्टैक्ट से लगाया जाता है किसी चीज़ को, जैसे यहाँ पर कोई सामान रखा है, जब तक आप इसको हाथ नहीं लगाओगे सामान यहाँ से हटेगा नहीं, तो उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब कोई भी फोर्स जिसको हम टच करके लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स कम इनटू द प्ले व्हेन टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। कॉन्टैक्ट फोर्स कब लगता है, जब दो सरफेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स देखते हैं। फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा क्या है, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स में आपके हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक रिक्शा वाला है वो क्या करता है, फोर्स लगा के रिक्शे को आगे खींचता है। ठीक है, तो उस वहाँ पे उसको खींचने के लिए कौन काम कर रहा है, उसकी मसल्स काम कर रही है। इसी तरीके से एनिमल जो होते हैं उनके बुल्क कार्ट जैसे होते हैं, इन सबको वो क्या करते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने हाथ पैर के फोर्स से जो है वो खींचते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। मतलब मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, मस्कुलर फोर्स। ठीक है, तो मस्कुलर फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। और ये कब, जब किसी जब दो बॉडी आपस में किसी कॉन्टैक्ट में आती है तब ये फोर्स जो है वर्क करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो बुल यहाँ पर सारे मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, अपनी ताकत से इसको क्या कर रहे हैं, आगे को खींच रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, जैसे वेटिंग, लिफ्टिंग, रनिंग, लिफ्टिंग सूटकेस, लिफ्टिंग। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स। अगला है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स का सेकेंड पॉइंट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे कि हमने किक किया फुटबॉल को ग्राउंड में और थोड़ी देर बाद वो थोड़ी डिस्टेंस पे जा कर के क्या हो गई, रुक गई। ठीक है, तो ये जैसे कि हमने कार का इंजन बंद किया तो वो भी क्या हो जाती है, थोड़ी सी दूर पे जाके रुक गई। साइकिल को पैडलिंग करना बंद कर दिया तो साइकिल आगे जाके क्या हो गई, रुक गई। मतलब ये सारे एग्जांपल्स हमने क्या देखी कि हम जब भी उस पर फोर्स लगाना बंद करते तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इसको रोकने में जो फोर्स काम कर रहा है, मतलब ये सारे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। मींस ऑल अबव केस, जितने भी हमने केस देखे उसमें फोर्स क्या हो रहा है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहा है। स्टेट ऑफ मोशन को कैसे चेंज कर रहा है, बॉल आगे को जा रही है उसको रोक रहा है। ठीक है, इस तरीके से किसी चीज़ को रोकने का काम कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट फोर्स कर रहा है, तो इस तरीके के फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर ये बॉल को हमने ज़ोर से फेंका तो थोड़ी दूर जाकर के ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसको रोकने में जो फोर्स हेल्प कर रहा है वो कौन सा फोर्स है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। समझ आ गई बात, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, दो सरफेस आपस में, जब जैसे कि बॉल है और उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कौन लगाएगा, ग्राउंड। ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में डिटेल जो है पूरी तरीके से आप नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, जैसे कि इस सब्जेक्ट के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर ये कोई आपका सरफेस है, यहाँ पर आपने ये बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को अगर यहाँ खींचो यहाँ खींचो तो ये क्या हो रहा है, ये इसके सरफेस के कांटेक्ट में, तो ये सरफेस इस पे कौन सा फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है। अब ये सरफेस अगर चिकना होगा, बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो ये जल्दी से आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन अगर यही सरफेस ऊपर खबड़ होगा तो इसको खसकने में क्या होगा, टाइम लगेगा, है ना, समझ गए ना, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट देखो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब उनको बिना हाथ लगाए उस पर फोर्स लगाना, ठीक है। जैसे कि मैग्नेट, आपने 6th क्लास में पढ़ाया ना मैग्नेट के बारे में, तो मैग्नेट को जब हम टच करते हैं तो अगर हम उसको क्या करते हैं, जिस एक सिंपल सी चीज़, मैग्नेट का तो आपको पता ही है कि मैग्नेट क्या करता है, सारी कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे कि लोहा वगैरह है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैं आपको बता रही हूँ, आप क्या करना, आपके बालों में रोलर लेना, मतलब स्केल, और उसको अपने बालों में रगड़ना। रगड़ने के बाद ना छोटे छोटे से कागज़ के टुकड़े करके रख लेना, और वहाँ पर अपने स्केल को रगड़ने के बाद तुरंत लेके जाना, तो वो कागज़ के टुकड़े जो है वो स्केल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्यों अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं आयंस, ठीक है, मतलब वो चार्ज हो जाती है, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी मैं वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है, ये चीज़ें कि मैंने आपको बताया कि जैसे पेपर अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ, आप स्केल लेके जाओगे बिल्कुल नज़दीक छुआओगे नहीं, दूर से उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट लेके जाओगे लोहे की चीज़ों के पास, मैग्नेट अपनी तरफ खींच लेगा। कोई भी चीज़ आपने ऊपर से फेंकी वो अपने आप क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इस टाइप के फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के लगते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। वो मेनली 3 टाइप के होते हैं, कौन सा, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स अभी मैंने आपको बताया कि हम अगर किसी भी लोहे की चीज़ के पास मैग्नेट को लेके जाएंगे वो अपनी तरफ क्या करेगी, उसको बिना टच में अट्रैक्ट कर लेगी। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है और यहाँ पे आयरन के पीसेस पड़े हैं, तो आप थोड़ी दूर पे ही रखोगे और ये आयरन के पीस यहाँ आके क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, ठीक है। तो समझ आ गई बात। तो यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दे रखी है, तो इस एक्टिविटी को मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। यहाँ पर कुछ पेंसिल्स रख दिए, उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दिया, यहाँ पे पेंसिल्स रख के एक मैग्नेट को रख दिया। तो हमने 6 में अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम जब पोल होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे को दूर धक्का मारेंगे, दूर दूर करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाने की नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये दूर दूर करेंगे, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, ये रिपल्शन हो रहा है, मतलब ये जो सेम पोल है। देखो मैग्नेट में क्या होता है, आपने 6th क्लास थोड़ी सी रिवाइज कर लो, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो पोल होते हैं इसमें, ठीक है। अब सेम पोल को अगर आप दो मैग्नेट के सेम पोल एक तरफ लेके आओगे तो वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रेड रेड मतलब सेम पोल है, जब इन दोनों को हम नज़दीक लेके आ रहे हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये दूर फेंकेंगे एक दूसरे को बिना टच के, ठीक है, क्योंकि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब यहाँ पर देखो एक ब्लू साइड लिया है, एक रेड साइड लिया, मतलब दो पोल अलग अलग लिए हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये सारा कुछ यहाँ पर यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर जो फोर्स लगाया जाता है आयरन पे, निकल पे, कोबाल्ट पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्शन हो रहा है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि आपने ये रूलर लेना है, अपने बालों पे रब करना है और उसके बाद उसके पास छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेके जाने हैं, तो उसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, इसके द्वारा भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझोगे। तो मैं ये सारी एक्टिविटी आपको यहाँ डायग्राम में बता दे रही हूँ। डायग्राम में क्या किया गया है, एक रबड़ से या किसी चीज़ से एक स्ट्रॉ को बांध दिया है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ है, दूसरी स्ट्रॉ को चार्ज कर दिया, मतलब रगड़ दिया उसको अच्छे से किसी के साथ, ठीक है। अब वो चार्ज किसी भी शीट के साथ, यहाँ पे बोला हुआ है शीट के साथ, ठीक है, जब उसको रगड़ दिया तो इसको रगड़ने के बाद जब हम दूसरी स्ट्रॉ के पास लेके जाते हैं तो ये इस स्ट्रॉ को क्या कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। तो इसका मतलब हम ये फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आ रही है ना,
किसी चीज़ को चार्ज करके, चार्ज कब होगा जब उसमें हम रगड़ेंगे किसी चीज़ से तो उसको चार्ज करके और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के पास लेके जाएंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन आपको या रिपल्शन दिखाई देगा। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मैंने ये भी आपको बताया है कि जैसे ग्राउंड में पेड़ों से क्या गिर जाती हैं, पत्तियां गिर जाती हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं, तो अपने आप तो नहीं गिर जाते ना, इनके ऊपर एक फोर्स वर्क कर रहा है, क्यों नहीं ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब इन पर कौन सा फोर्स कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। जैसे आपने कॉइन लिया और उसको छोड़ा तो सीधे क्या होगा, वो नीचे गिरेगा, ऊपर तो नहीं गिरेगा ना, ठीक है। इस तरीके के फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की तरफ जा रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो फोर्स कौन सा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। इसी तरीके से जो पानी है वो ग्राउंड पे नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है इसी पानी ऊपर की तरफ तो नहीं जाएगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा आता है, हमारी अर्थ लगाती है। जैसे पानी, टैप का पानी है, टूटी का पानी है ना, वो नीचे गिरता है तो किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। अर्थ हर एक चीज को, यूनिवर्स में हर एक चीज को अर्थ क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहां पर देखो यूनिट ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन एंड डाइन, ठीक है, ये याद रखना। आगे का चैप्टर जो है वो प्रेशर है, ठीक है, और बाकी इंडेक्स क्वेश्चन वगैरह की वीडियो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। तो प्रेशर नया टॉपिक, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।